जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा विज्ञान का पूरा रियल पेपर। आप देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आपके पेपर में ये पूरा का पूरा पेपर आएगा 13 अक्टूबर को दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे मैं इसके सोल्यूशन के वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा विज्ञान सब्जेक्ट का पूरा रियल पेपर है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम का है, कुल प्रश्न 19 है और पूर्णांक रहेगा आपका 70 और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पूछा जाएगा दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है पूरे के पूरे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, पूरा का पूरा रियल पेपर और साथ में इसका हम सोल्यूशन और पीडीएफ फ्री प्रोवाइड आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन का इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पेपर में किस तरह आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहला क्वेश्चन है खौलते पानी में जल वाष्प बनाना, दूसरा क्वेश्चन है बर्फ का पिघलाकर जल बनाना, तीसरा क्वेश्चन है जल का वाष्पीकरण और चौथा क्वेश्चन का आंसर है शुष्क बर्फ का उत्पादन। इसी तरह हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, तो जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम क्या है, धोने का सोडा या बेकिंग सोडा। इसी तरह दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगला जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है पूरा का पूरा रियल पेपर, इसमें तीसरा क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण नीला थोथा। इसी तरह हमें पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं तो पांचवा क्वेश्चन है कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, बैगनी, लाल, बैगनी और पीला रंग या नीला रंग है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो गया है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर लिए या टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी, आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण डॉट डॉट ऊतकों के द्वारा होता है। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तीसरा क्वेश्चन है मानव फेफड़ों में इकाई कोलिपा की डॉट डॉट विनिमय की सहायता करती है। चौथा क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, सरीसृप से हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 लोहे में जंग लगने की क्रिया को कौन सा उदाहरण कहते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 दो तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या होता है। दोस्तों पूरा का पूरा रियल पेपर है और साथ में इसका हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आप अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 मास्टर ग्रंथि धनात्मक तार इधर इंसुलिन इधर एम्पियर प्रेरित धारा किचुआ लाल तार पीयूष ग्रंथि और दुर्लंगी अग्नाशय। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको पूरे के पूरे हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के शब्द एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। जी हां दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में आपको लिखना है, पूरा का पूरा रियल पेपर है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर पहला है नींबू और संतरे के पश्चिम अम्ल का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। तीसरा है लेंस की क्षमता सूत्र लिखना है और इसी तरह हमारा चौथा है जटर रस का पीएच मान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जटर रस का पीएच मान क्या होता है और क्वेश्चन नंबर 5 है दर्पण का सूत्र क्या होता है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वाहनों में ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। जी दोस्तों, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसके अथवा का प्रश्न। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम में ना ज्वाइन हुए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। जी हाँ दोस्तों, या टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी, आप जाकर सर्च करेंगे, फर्स्ट वाले में 10-11 हजार स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप जाकर जुड़ जाइए।
इसी तरह हम बात करते हैं इसके अथवा की प्रश्न, तो अथवा का प्रश्न है अभिक्रिया दर की इकाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, अभिक्रिया दर की इकाई क्या है, और क्वेश्चन नंबर 6 है उदासीन अभिक्रिया क्या है, दो दो उदाहरण लिखिए। जी हाँ दोस्तों, उदासीन अभिक्रिया क्या है, दो दो उदाहरण लिख रहे हैं। इसके अथवा का प्रश्न है लोहे को जंग लगने के दो तरीके बताइए, और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 है आक्सी कारक क्या है, और इसके अथवा का प्रश्न संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो रोक कर लिख लीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप जाकर जरूर ज्वाइन करें, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं स्वपोषी पोषण व विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, और इसके अथवा का प्रश्न है संक्षारण क्या है। जी हां दोस्तों, इसके अथवा का प्रश्न है संक्षारण क्या है। इसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है मृतजीवी पौधे को उदाहरण बताइए, और इसके अथवा का प्रश्न हार्मोन्स में दो गुण पाए जाते हैं उनको लिखिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है परावर्तन के नियम लिखिए। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है परावर्तन के नियम लिखिए, और इसके अथवा का प्रश्न है अपवर्तन के नियम लिखिए। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है लेंसों के उपयोग लिखिए तथा अवतल लेंस के उपयोग लिखिए। दोस्तों सारे के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अगर चैनल पर नए हो चैनल फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 है अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए, और इसके अथवा का प्रश्न है धातु एवं अधातु में कोई तीन अंतर लिखिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। जी हां दोस्तों, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखना है। इसके अथवा का प्रश्न है संयोजकता की परिभाषा लिखिए। इसी तरह हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर हो रहा है संयोजकता की परिभाषा दीजिए। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा है संयोजकता की परिभाषा दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 14 है श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखिए। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखना है। इसके अथवा का प्रश्न है श्वसन एवं दहन में अंतर, जो कि भेरी से भेरी आईएमपी क्वेश्चन है। आपके पेपर 13 अक्टूबर को यही पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा 100 to 100%। दोस्तों अगर चैनल पर न हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है धमनी एवं सिरा में कोई चार अंतर लिखिए। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 धमनी एवं सिरा में कोई चार अंतर लिखना है। इसके अथवा का प्रश्न है मनुष्य के पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाइए। जी हां दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाना है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना है। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना है। इसके अथवा का प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए। जी हां दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती रेखा का रेखा चित्र बनाइए, और क्वेश्चन नंबर 17 है परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है परागण एवं निषेचन में अंतर लिखना है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 17 के अथवा के प्रश्न बात करते हैं जीन के प्रमुख कार्य लिखिए। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 के अथवा का प्रश्न है जीन के प्रमुख कार्य लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 18 तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है समझाइए, और इसके अथवा का प्रश्न जीवाश्म ईंधन क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। पूरा का पूरा रियल पेपर का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, या टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी, आप जाकर वहां ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम सारे के सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और अगर इसके सोल्यूशन का भी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।